शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे। 9 अगस्त 2023 बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को ये शिक्षा दी है। बच्चे, तुम्हें चित्र को भूलना है। विचित्र बनकर विचित्र बाप को याद करना है। तो धीरे धीरे देह के संबंधों से बुद्धि हटेगी। यही देही अभिमानी स्थिति है। तो आज दिन भर में इसका अभ्यास करेंगे। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को चक्र की स्मृति याद दिलाई है। बार बार अपने देवता स्वरूप को याद करना है, साथ साथ देवी गुणों को भी धारण करना है। बाबा ने याद दिलाया, बच्चे ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। उसके लिए कई सारी धारणाएं भी पक्की कराई है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। दो बातें, बाबा की याद भी देही अभिमानी स्थिति में रहेगी और ज्ञान भी देही अभिमानी स्थिति में धारण होगा। तो चलो स्वयं को देखें। मैं आत्मा सितारा, देह से अलग महसूस करें। सामने बाबा को देखें। ज्योति, परम ज्योति की याद में एकाग्र है। आज बाबा ने कहा, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है। मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है। आज बाबा ने कहा, आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है, मैं इन लेप से निर्लेप हूं, ज्ञान का सागर हूं, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूं। आत्मा शांत स्वरूप है, स्थिति में स्थित हो जाए। फिर से मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टोकी बनती हूं। देखो ये देही अभिमानी स्थिति को आज बाबा पक्का कराते हैं। तो ये अभ्यास अभी भी हम साथ साथ करते चले और सारे दिन भर में किया करें। मैं आत्मा शरीर में हूं तो टोकी बनती हूं। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले यह निश्चय करना है, अंडरलाइन, आज का होमवर्क, बार बार स्मृति अभ्यास अनुभूति। मैं आत्मा अभी भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, कर्म करती हूँ। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, ये भी अभ्यास करें। सब सुनने के लिए बैठे हैं। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। बुद्धि को कहाँ ले चले? परम धाम।
बाबा के पास। सेकंड में वापस आ जाए। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अब ये भी अभ्यास करना है, खुद को भी बिंदी देखे, बाबा की बिंदी को भी देखे। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। देखो ये भी आत्मिक स्थिति है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं ना, ये स्थिति क्या है जिसमें आत्मा और शरीर दोनों के अलग होने की स्मृति हो। बच्चे साकार में है, साकारी रूप है, बाप तो निराकार है। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो बाप बनते हैं फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता हूँ। बाप तो ऊंचे ते ऊंच है, बड़े ते बड़ा परम पिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है तुमको समझना है इस निराकार शिव बाबा के सन्मुख जाके। परम आत्मा बैठ समझाते हैं, बार बार बाबा स्मृति दिलाते हैं, महसूस करें। परम आत्मा बिंदी बाबा हमें समझाते हैं। आत्मा को ही नॉलेज है। पहले पहले आत्मा अभिमानी होना चाहिए, पक्का। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते तुम्हें आत्मा अभिमानी होना चाहिए, अर्थात बार बार आत्मा की स्मृति अनुभूति और आत्मा के गुणों की अनुभूति। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। कौन वर्षा ले रहा है? यहाँ भी आत्मिक स्मृति, मैं आत्मा बाबा से दादे से वर्षा ले रही हूँ। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो। चलो अनुभव करें, महसूस करें। प्रकृति के बीच में मैं चमकती आत्मा, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझ परमात्मा के थे अब हो। आत्मा बुलाती है, ओ परमपिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। कब याद करते हैं भगवान को? जब दुख होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किस
किसको कहे? बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। कितनी बार बाबा याद दिलाते हैं ना, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। तो आज ही अभ्यास करना है। अभी बैठे हो बाबा की याद में, उठते हैं बाबा की याद में, चलते हैं खाते पीते बाबा को याद करना है। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ, खाते समय भी क्या स्मृति, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। तो आज करेंगे अभ्यास। आज दिन भर में जितनी बार कुछ खाए पिए, जितना समय हम खाते हैं ना, बाबा को सामने रखें और बाबा की याद में खाना है दृष्टि देकर। याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी का घर नहीं है, सुना, मेहनत है। बाबा समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। विधि, देह सहित सब धर्मों को भूलना है, पहले तो देह को भूलना है। बार बार स्वयं को आत्मा आत्मा बिंदु देखे, कैसे मस्तक में सितारा चमक रहा है, पूरा ध्यान सितारे पर, और सबको भी आत्मा देखे। तो ये समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहां समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, अब याद करो मैं आत्मा सतो प्रधान थी, देव स्वरूप में स्वयं को अनुभव करें। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, खाद आत्मा में पड़ती है। हाँ, आज पूरी मुरली में कितनी बार हर महावाक्य में आत्मा, हर महावाक्य में आत्मा, ये आत्मिक स्थिति है। बाबा आज प्रैक्टिस कराते हैं, मेरे में तो खाद नहीं पड़ती, मैं एवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है, ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमको पढ़ाते हैं नशा। आज बार बार ये अनुभव करें, हम बाबा से पढ़ रहे हैं, उनके बने हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। अंडरलाइन, जीवन मुक्त की परिभाषा, शरीर में होंगे परंतु सुख की स्थिति में होंगे, मुक्त। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती है, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं। देखो कितना सुंदर अर्थ बताया, मुक्ति अर्थात अपने ही साइलेंस घर में जाना, जिसको परलोक कहा जाता है। तो बुद्धि से पहुंच जाए परम धाम में, वापस आ जाए। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो।
बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। क्या याद दिलाते हैं? अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो, अब मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने पर बहुत नाम रखाते हैं, परंतु है नहीं। ये भी नशे की पॉइंट है कि हमारा बाबा ही जगत गुरु भी है, शिक्षक भी है, पिता भी है। वास्तव में ऊंचे ते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है, सदगति दाता एक ही बाप है। तो बाबा कहते हैं, भारतवासियों को अपने धर्म का तो पता ही नहीं, कब किसने स्थापन किया। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र है। आत्मा ही सुनती है। अब विचित्र को याद करने में मेहनत तो लगती है ना। बाबा कहते हैं, देखो सत्ययुग में श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है विश्व का, वहां और कोई धर्म नहीं रहता, अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत होता है। अब फिर से बाबा कहते हैं, मैं अशरीरी हूं, इसे शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। परमात्मा मुझे ही कहते हैं क्रिएटर, लिबरेटर। तो बाबा कहते हैं, अब तुम जानते हो मात पिता का गायन भी भक्ति मार्ग में करते आए। तुम मात पिता तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तुम बाप के बने हो इन द्वारा। वंडरफुल बातें हैं ना, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो अब बाबा फिर से बच्चों को याद दिलाने आए हैं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा। स्मृति दृष्टि का परिवर्तन करने वाले। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। आज का वरदान मिला है मर जीवा भव। अब विस्तार है, ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन, अंडरलाइन। इस लोक के मनुष्य जैसी हमारी दृष्टि, स्मृति और वृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति, आज इसका अभ्यास करें। वह भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, अंडरलाइन। श्रीमत मिल रही है, आत्मा को देखो शरीर को नहीं। आज दिन भर में ये प्रैक्टिस करनी है, किसी के शरीर पे नजर ना जाए, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। तो आज दिन भर में शुद्ध फीलिंग, मैं आत्मा हूं। सबको आत्मा आत्मा देखे, अलौकिक जीवन है। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है। बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। ये आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करें।
अब हम देवता बन रहे हैं। तो देह सहित देह के सब धर्मों से बुद्धि को हटाते चले, विचित्र होकर विचित्र बाप को याद करें। ओम शांति।